निषेध होने पर भी, विधि निषेध होने पर भी उस परमात्मा से जो योग करवाए वही योग माया जोड़े, वही विधि निषेध होने पर भी, हाँ विधि निषेध कि भगवान नहीं है वो माया तो कह रही कि वो कुछ नहीं मैं ही हूँ, परंतु इतना विधि निषेध होने पर भी तब उसको जो है जोड़ रहे उससे वो योग। पहले तो सज्जन ताने मुंह मोड़ लिया, सज्जन ने बोलना बंद कर दिया। नमस्कार दगड़ियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत कर दूँ आप सभी को अपनी गांव की चौपाल माँ जखमा गांव का बुजुर्ग बैठिया और सामनी पर हुक्का लग्यूँ और ये अपनी पुरानी संस्कृति छा तो लियावा प्रस्तुत छा गांव की चौपाल को आनंद। और दगड़ियों जो हुक्का सजियूँ उस तय को मतलब यूँ नीचे को धूम्रपान प्रमोट होने लग्यूँ, यू हमारी बुजुर्गों की शान छा जो कि अब दिखेंदी नहीं, अब कै गाँव में दिखेंदो आप तय नहीं चौपाल लगी और बुजुर्ग बैठियाँ तो ये कखे कखे बची या रीति रिवाज इसको जरूर बचाना है ना? तो सज्जन ताने मुंह मोड़ पुनः सज्जन ने बोलना बंद कर दिया। और जब सज्जन ताने बोलना बंद कर दिया तो प्रभाव उनका होगा, हो गई बिल्कुल ज्यादा वही आ गया आदमी, तो वही चीज है वही क्लिष्टता आ गई। बिना रावण ये कोई क्या लगे ये रावण कहते नहीं बात जो सब रावण का तुम मजा कर रहे हैं कितने और नाच नट मरक ऐसे ही तो होता है। तो आज सारे जो है वो शासन भी उन्हीं का, अरे स्त्रियां जो है स्वयं सुपर्णखा बन गए तब एक सुपर्णखा थे, हाँ तो सुपर्ण देखो शादी में कैसे नकली नामे भी लग रहे तब थे निर्म पाप परायण धर्म नहीं करे दंड विडम्ब प्रधान थी जयद्री बेटी पुत्र कब तक कि सुत मान ही माता पिता तब लो अब लान न देख नहीं जब लो न्याल कहे ना वो भाई बुआ मेरे भाई मेरे बाबा बाबा यन कर दू बाबा यन कर लू मैं तुम्हारी खाते आई बुआरे बाबा तू तो किरा पानी बुआरे मैंने एक ही कद सुनने पड़े याद लग गए जब तेरे रूप कुटुंब भये तब ते आपकी जो पीढ़ी है अब ससुराल प्यारे लगी, अब ससुराल जब जान गए अब कहीं गोसी नौकरी है सब कुछ है मुक्त दिन में जाए लगे सुनना सुन छड़ी बल चौंतल दा हम तो बादों में कौड़ी खाए ये बता रहा है बाप भैया कौड़ी गरम पानी हो, अरे यार तू के ना गरम पानी हो गरम दे चल गरम ले लो चाय दे ना गरम सना भाग्य साली हां मैं अपने मौका मिली ना मौका मिले तई जोर से संकल्प बस बस ये पॉइंट जो है अब ठीक मिल गए। वो राजा के पास गया और सीधा राजा की शिकायत कर कालदास जो है मच्छी अच्छा भोजने का कालिदास मच्छी खाता है इतना बड़ा हो गया मच्छी बेच दू अब कालिदास तैन देख के राजा और मंत्री मिले तैन जाल अलग धरी और मच्छी जो अब उस श्लोक में अभी ध्यान नहीं कक्षे किम पूछे पर श्लोक तय माने की कक्षे किम ताड़पत्रम विदम मम पुस्तक तो अब मम पुस्तक तो फपड़ाण क्या लगे ताड़पत्रम विदम तो ये प्रकार से तय तय पर सारू युद्ध बताए देने कि यदि वो कक्ष है कि पुस्तकम अच्छा पुस्तक है तो फड़ 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 उसने कहा ताड़पत्रम ताड़पत्र नहीं चढ़ा जा अच्छा तो इसमें चूम लगे कैसे कि अरे महाभारत रामायण
श्लोक को मैं श्लोक नहीं होने में याद, मैं भी नहीं याद तो अब तैन जो है सारू श्लोक को अर्थ करी थे तैन वाला प्रकट है उसको हम देखना चाहते हैं यदि सचमुच है वो पुस्तक महाभारत पुस्तक बस अन्य पंडितों को जो है तभी तो बोले की समर्थ को नहीं सामर्थ्य जयंती मछली जो है एक पुस्तक बनाई तो उस श्लोक नहीं मैं उन्होंने बहुत अच्छा श्लोक मैं भी देख सकता था शत्रु पैदा नहीं जब वो दो रोटी खाने तब उसके जो है वो जितनी नेगेटिविटी होगी उस पे जो है दो दानव जब प्रकट हुए तो भगवान श्री भगवान के ही कान के मैल है तो भगवान के कान के मैल मधु और कैटो कैटो मन जो छल और छद्म और मधु है जो बड़े अभिमानी है ना तो ये सबसे बड़े मैल है बिल्कुल पर इन्हीं कानों से आते हैं होते हैं उत्पन्न भगवान ने ये भी दर्शन करवाया कि यदि आपने कान से कोई गलत वस्तु सुन ली तो आपके जीवन में छल छद्मता आपकी सारे जो है बढ़ते जाएंगे लेकिन जब भगवान के नारायण के श्री अंग से साक्षात भगवती निद्रा योग माया प्रकट हुई अब योग माया क्या है जो माया माँ मतलब नहीं या मतलब नहीं जो नहीं है उसको जो नहीं दिखा दे वो तो केवल माया है लेकिन उस माया के निषेध होने पर भी उस परमात्मा से जो योग करवाए वही योग माया जोड़े वही विधि निषेध होने पर भी हाँ विधि निषेध कि भगवान नहीं है वो माया तो कह रही कि वो कुछ नहीं मैं ही हूँ परंतु इतना विधि निषेध होने पर भी तब उसको जो है जोड़ रहे उससे वो योग माया अब वो योग माया जब प्रकट हुई तो उसी की कृपा से भगवान नारायण ने तब उस छल और छद्म को अपने ही कान से उत्पन्न हुए उस मैल आदि को समाप्त कर तो ये मैल मधु कह तो ये तो प्रतीक आत्मा है कथानक तो कुछ और सारे सतानंद नारायण कथे आपने आज दिव्यता से उसको प्रकाशित करा यश से बढ़कर दूसरी ऊंची ध्वजा नहीं हो जाएगी जिसने भगवान के लिए अपनी ध्वजा इतनी ऊंची कर दी अपना यश इतना बढ़ा लिया माने उस यशस्वी परमात्मा में इतना समर्पित हो गया और पता को कितना ऊंचा है जो गगन चुमी है अब देखो तुम जब कोई लाकड़ा में गिल दो गिल्ला तो तय की लंबाई के आधार पर निश गड़ बन तो उसका मतलब है कि इतना ऊंचा हो ऊपर होगा तो नीचे कितने होगा नीचे कितने तो जिस दिन वो उनका मुख ऐसी बुद्धि से संबंध करेगा उसी दिन भगवान का यजन होगा बिल्कुल वही है सही और कहाँ होगा भद्रशिला तो दगड़ियों आज को व्लॉग इखिमा समाप्त कर दा मिलदा आप तय गांव की हैंग की रीति रिवाज वाली वीडियो में तब तक अपनो ध्यान रख्या अपनो परिवार को भी ध्यान रख्या और दगड़ियों जक गाँव में बुजुर्ग ज़्यादा रहंदा तय गाँव में ज़्यादा अनुभव आंदो किस्मत ज़्यादा आँदी और जय गाँव में बुजुर्गों की सेवा नहीं होंगी उस तय गाँव में फिर कृपा नहीं बरसदी भगवान की है नी तो यानी छो अपने बुजुर्गों की आशीर्वाद हमेशा आप पर अभी बनी राया और है कि वीडियो में मिलता आपते हैं तब तक जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड प्रणाम।